तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग इन COVID-19 सिचुएशंस। होपफुली यू आर डूइंग वेल। वी ऑल आर इन कोविड सिचुएशंस। तो ये करेंट COVID-19 सिचुएशंस में सितंबर 2020 को एफडीए ने एक नया गाइडलाइन लॉन्च किया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिज्यूमिंग नॉर्मल ड्रग एंड जैसे बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ड्यूरिंग द COVID-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। दिस इज फॉर गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री ओनली। तो ये गाइडलाइन काफी इंपॉर्टेंट है, हॉट केक है। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए देखते हैं कि ये गाइडलाइन बनाने का मकसद क्या है। दिस गाइडेंस रिप्रेजेंट द करेंट थिंकिंग ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एफडीए और एजेंसी ऑन दिस टॉपिक। मतलब करेंटली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का COVID-19 सिचुएशन को लेकर क्या थिंकिंग है, उसी के ऊपर ये गाइडलाइन बनाया गया है। इट डज नॉट स्टेब्लिश एनी राइट्स for any persons and is not binding on FDA or public। ये गाइडलाइन किसी को कोई पर्टिकुलर कोई गाइडलाइन को स्टेब्लिश करने के लिए नहीं है, किसी को बाइंडिंग करने के लिए, किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है, फिक्स नहीं है। यू कैन यूज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच इफ इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल स्टेटस एंड रेगुलेशन। अगर एप्लीकेबल स्टेटस और रेगुलेशन को फुलफिल किया जा सकता है सही तरीके से, तो ऑल्टरनेटिव कोई अप्रोच अगर रहेगा, ऑल्टरनेटिव कोई अप्रोच रहेगा तो उसको फॉलो करने के लिए भी ये गाइडलाइन रिकमेंड करता है कि ये गाइडलाइन को भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर कुछ अगर ऑल्टरनेटिव अप्रोच है तो उसको भी फॉलो किया जा सकता है, जिसमें जितना भी रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन से उसको फुलफिल होना चाहिए। टू डिस्कस एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच contact the FDA staff office responsible for this guidance as listed on this pages। page में दिया है कि FDA के कौन कौन से persons जो है responsible है, उसको contact करके आप alternative approaches के लिए भी discussion या guidance ले सकते हैं। अभी चलिए introduced होते हैं कि ये guideline के साथ। FDA plays a critical role in protecting the United States from threats such as emerging infectious disease, including coronavirus disease 2019 or COVID-19 pandemic. FDA is committed to providing timely guidance to support response efforts to this pandemic. So currently 2019 में जो COVID-19 pandemic का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें एफडीए एक इम्पोर्टेंट रोल क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं टू प्रोटेक्ट और टू प्रिवेंट यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए एफडीए का क्रिटिकल रोल है। तो इसलिए एफडीए पहले से ही कमिटेड है कि यूएस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करना पड़ेगा इस पैंडेमिक सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। इसीलिए एफडीए इज इशूइंग दिस गाइडेंस टू हेल्प ड्रग एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स। इसलिए एफडीए ने ये गाइडलाइन बनाया है ड्रग और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ड्यूरिंग द COVID-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी प्लान एंड प्रायोरिटाइज करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को प्रायोरिटाइज करने के लिए उसकी एक्टिविटी ना रुके, उसको कॉन्टिन्यूसली उसको करने के लिए भी ये गाइडलाइन का काफी इंपॉर्टेंस है। दिस गाइडेंस डिस्क्राइब्स हाउ टू इवेल्युएट एंड प्रायोरिटाइज रेमिडिएशन ऑफ सीजीएमपी एक्टिविटीज दैट वर नेसेसरली डिलेड रिड्यूस्ड और अदरवाइज मॉडिफाइड ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रोडक्शन एंड ड्रग सप्लाई। तो करेंटली हम लोगों को सबसे पहले COVID-19 सिचुएशन में ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन एक्टिविटी तो काफी ज्यादा हैम्पर हो रहा है, उसके साथ साथ ड्रग का सप्लाई भी हैम्पर हो रहा है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी और ड्रग का सप्लाई जो है
वो ना रुके, इसीलिए ये गाइडलाइंस को मेनली बनाए गए टू प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज एक्टिविटी को प्रायोरिटाइज करने के लिए कि सीजीएमपी एक्टिविटी फॉलो हो और क्या क्या चीजें सीजीएमपी का नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है जिसकी वजह से कुछ डिले या फिर कुछ हम लोग एक्चुअली कुछ बाद में भी कर सकते हैं या फिर कुछ रिड्यूस कर सकते हैं या फिर कुछ अगर सीजीएमपी का जो पूरा गाइडेंस दिया हुआ है उसको मॉडिफाई करके भी हम लोग हेल्थ इमरजेंसी को फॉलो कर सकते हैं करेंटली कोविड 19 सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो उसी के लिए ये गाइडलाइन बनाए गए हैं। दिस पॉलिसी इज इंटेंडेड टू मेंटेन द इफेक्ट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिलेटेड टू कोविड 19 डिलेड डिक्लेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज HHS ऑन January 31st, 2020 इफेक्टिव फ्रॉम January 27th, 2020 इंक्लूडिंग एनी रिन्यूअल्स मेड बाय हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 319 पार्ट ए सब पार्ट 2 ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट EHS एक्ट 42 USC 247 डी पार्ट ए सब पार्ट 2। तो मतलब क्या है कि ये जो गाइडलाइन है ये गाइडलाइन कब से इफेक्टिव है, ये गाइडलाइन इफेक्टिव है January 27, 2020 के बाद। तो जो अपना पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उसी उसका जो सेक्रेटरी है उन्होंने हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज उन्होंने ये गाइडलाइंस को बनाया गया है, एक पॉलिसी बनाया। वो पॉलिसी इसलिए बनाया टू मेंटेन द इफेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी टू द कोविड 19 सिचुएशन, उसी के लिए उन्होंने ये गाइडलाइंस को बनाया। गिवन दिस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड एज डिस्क्राइब इन द नोटिस ऑफ फेडरल रजिस्टर ऑफ द March 25, 2020 टाइटल्ड एज प्रोसेस ऑफ मेकिंग अवेलेबल गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस डिजीज 2019 दिस गाइडेंस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विदाउट प्रायर पब्लिक कमेंट because FDA has determined that a prior public participation for this guidance is not feasible or appropriate. तो उस टाइम पे FDA ने ये सोचा कि इमीडिएटली पब्लिक का इसमें कमेंट ना लेके कोविड 19 पैंडेमिक सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ये गाइडलाइन उन्होंने इमीडिएटली रिलीज कर दिया था। गाइडलाइन क्या उन्होंने रिलीज किया था, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अवेलेबल से गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो ये उन्होंने कब रिलीज किया, ये उन्होंने रिलीज किया March 25, 2020 को। ये डेट पे उन्होंने इमीडिएटली ये गाइडलाइन को फेडरल रजिस्टर करके रिलीज कर दिया गया इमीडिएटली उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। अभी देखते हैं ये गाइडलाइन करेंटली बनाने के पीछे बैकग्राउंड क्या है। देयर इज करेंटली एन आउटब्रेक ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस। करेंटली हम लोगों को सबको मालूम है कि एक रेस्पिरेटरी आउटब्रेक्स या फिर हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक्स घोषित कर दिया गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड में, जो कि ना एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कॉज करते हैं नोवेल कोरोना वायरस। दिस वायरस हैज बीन नेम्ड SARS-CoV-2। हम लोग ये वायरस को SARS-CoV-2 भी बोलते हैं। एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड हैज बीन नेम्ड एज कोरोना वायरस डिजीज 2019 और COVID-19। हम लोग इसको कोरोना वायरस डिजीज 2019 और शॉर्ट फॉर्म में COVID-19 डिजीज भी बोलते हैं। ऑन January 31st, 2020 ह्यूमन सर्विसेज इशूड अ डिक्लेरेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिलेटेड टू COVID-19 एंड से मोबिलाइज द ऑपरेटिंग डिविजन्स ऑफ HHS। इन एडिशन ऑन March 13, 2020 द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी इन रेस्पॉन्स टू COVID-19। प्रेसिडेंट मतलब ये US के बारे में बोल रहा है। अंडर द सेक्शन 501A-2B ऑफ फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट दैट इज 21 USC 351A-2 अ ड्रग इंक्लूडिंग एन
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो ड्रग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ड्रग उसके साथ साथ जो एपीआई भी है, ये दोनों को इंक्लूड करके ये गाइडलाइन बना गया इज डीम टू बी एडल्टेटेड, उसको हम लोग एडल्टेटेड कंसीडर करेंगे या एडल्ट्रेशन कंसीडर करेंगे इफ द मेथड्स यूज्ड इन दिस फैसिलिटीज और कंट्रोल्स यूज्ड फॉर इट्स मैन्युफैक्चर प्रोसेस पैकेजिंग होल्डिंग डू नॉट कन्फर्म टू और आर नॉट ऑपरेटेड और एडमिनिस्टर्ड इन कॉन्फॉर्मेटरी विद सीजीएमपी, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग, अगर उसका प्रोसेसिंग, अगर उसका पैकेजिंग, अगर उसका होल्डिंग, ये सब कुछ जो प्रोसेस है कॉम्प्लीट फ्लो साइकिल जो है ना, ये कॉम्प्लीट फ्लो साइकिल अगर सीजीएमपी का रेगुलेशन को फुलफिल करके नहीं हुआ है तो हम लोग उसको एडल्ट्रेटेड कंसिडर करेंगे, वहां पे कहीं पे भी वहां पे कुछ एडल्ट्रेशन हुआ है। और उसके लिए अगर ये अगर सीजीएमपी फॉलो होगा देन डेफिनेटली द ड्रग विल बी सेफ एंड इट्स आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथ एंड मीट्स द क्वालिटी एंड द सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ये सीजीएमपी को फॉलो करके बनाए तो डेफिनेटली द ड्रग विल बी सेफ, इट विल बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एवरी स्टेप्स, इसका जो स्ट्रेंथ है इट विल मीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, इसका प्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जितना भी इम्प्यूरिटी कैरेक्टर प्रोफाइल है वो भी उसका फुलफिल होगा, विच इज परपोरेट्स और इज इट्स रिप्रेजेंटेटेड टू द प्रोसेस। सीजीएमपी रेगुलेशंस फॉर फिनिश फार्मास्यूटिकल्स आर आल्सो फाउंड इन 21 सीएफआर पार्ट 210 एंड 211। हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि सीजीएमपी का जितना भी रेगुलेशंस है वो हम लोग को एफडीए का 21 सीएफआर से पार्ट 210 और पार्ट 211 में इंक्लूड किया गया है, और गाइडेंस रिगार्डिंग द सीजीएमपी फॉर एपीआई इज डिस्क्राइब्ड इन आईसीएच गाइडलाइन Q7, कि हम लोग ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं Q7, जिसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडेंस फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि ना सितंबर 2016 में आईसीएच गाइडलाइन में इंक्लूड किया गया था। ड्यूरिंग COVID-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने फेस अनयूजुअल चैलेंजेस। अभी देखिए ये गाइडलाइन को लाने के पीछे जो मकसद है, जो बैकग्राउंड है, वो और खुल के सामने आ रहा है कि ड्यूरिंग दिस COVID-19 सिचुएशन जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सर्विस है उन्होंने ये सोचा कि ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो ये चैलेंजेस कैसे हो सकता है कि एम्प्लॉई इलनेस हो सकता है, एब्सेंटिज्म हो सकता है, ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, साइट क्लोजर हो सकता है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकता है, मल्टीपल थिंग्स आर देयर पॉसिबिलिटीज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ये सब कुछ एक साथ में भी हो सकता है। तो ये सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए करंटली ये गाइडलाइन को मेनली तैयार किया गया है, बनाया गया है। अभी देखते हैं, व्हाइल द स्कोप ऑफ दिस गाइडेंस इंक्लूड ऑल ड्रग्स, ये एक्चुअली ये जो गाइडलाइन है ये पर्टिकुलर किसी ड्रग के लिए नहीं बोल रहे, ये एक्चुअली ऑल ड्रग्स को ही कवर करता है, फिर भी एफडीए से रिकॉग्नाइजेस दैट रिस्क ऑफ शॉर्टेज ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, मतलब पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी के ड्रग का अगर सडनली शॉर्टेज हो जाए तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज मे बी रिड्यूस्ड इन फ्रीक्वेंसी डिलेड और हैंडल्ड डिफरेंटली देन प्रिस्क्राइब इन द एस्टैब्लिश प्रोसीड्योर, मतलब सीजीएमपी गाइडलाइन में जो एस्टैब्लिश प्रोसीड्योर है उसको थोड़ा बहुत हम लोग डिफरेंटली सोच सकते हैं, दूसरा एंगल से उसको सोच सकते हैं, थोड़ा उसको डिले करके भी कुछ एक्टिविटी को कर सकते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कुछ क्यूए का एक्टिविटी हो गया, कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है, तो वो चीज को कंसीडर करते हुए ये गाइडलाइन को सोचा गया है, बनाया गया है। इसमें कुछ कुछ ड्रग को ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, उसके लिए डिस्कशन करते हैं, जैसे लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स, लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स इंटेंडेड फॉर यूज इन
prevention or treatment of deliberating diseases, जो कि ना डिलीबरेट कुछ डिजीज है जिसको प्रिवेंट करने के लिए और जिसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रग्स बनाया जाता है, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए बनाया जाता है, इंक्लूडिंग एनी सच ड्रग्स यूज्ड फॉर द इमरजेंसी मेडिकल केयर और ड्यूरिंग सर्जरी, जो ड्यूरिंग सर्जरी और ड्यूरिंग इमरजेंसी मेडिकल केयर में जो ड्रग्स यूज किया जाता है उसको इस गाइडलाइन में इंक्लूड किया गया है, और एनी सच ड्रग्स दैट इज क्रिटिकल टू बी पब्लिक हेल्थ ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेरेशन बाई सेक्रेटरी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर जब सेक्रेटरी ने किया तो जो भी ड्रग्स पब्लिक हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है वो सभी ह्यूमन रिलेटेड ड्रग्स इस कैटेगरी में इंक्लूड हो गया है। कैटेगरीज ऑफ एनिमल ड्रग्स, अभी एनिमल ड्रग्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और पर्टिकुलर कंसर्न विथ रेस्पेक्ट टू द रिस्क ऑफ शॉर्टेज इंक्लूड दोज दैट आर यूज टू ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सीरियस एनिमल डिजीज, जो सीरियस एनिमल डिजीज और सीरियस कंडीशन को ठीक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज किया जाता है वो सारा ड्रग्स इस गाइडलाइन का स्कोप में आ जाता है। दैट आर सो नीडेड टू एंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ फूड प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, कुछ सेफ फूड प्रोडक्ट्स भी है जो एनिमल का द्वारा हम लोगों को मिलता है, एनिमल ओरिजिन से हम लोगों के पास आता है, उसके लिए भी ये गाइडलाइन एप्लीकेबल है। नो अदर अवेलेबल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो जिसके लिए और कुछ अवेलेबल सोर्स सेकेंड ऑप्शन नहीं है, और एडिक्वेट ऑल्टरनेटिव ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एग्जिस्ट, और जिसके लिए कुछ अवेलेबल ऑल्टरनेटिव अपने पास अवेलेबल नहीं है, वो सब कुछ ये गाइडलाइन के अंदर आ जाता है। द गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री प्लानिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ हाई एब्सेंटिज्म टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकली नेसेसरी ड्रग प्रोडक्ट्स, एक गाइडलाइन बनाया था मार्च 2011 में, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में हाई एब्सेंटिज्म गाइडेंस। तो ये गाइडेंस 2011 में बनाया गया था, ये गाइडेंस को भी कवर करने के लिए कुछ चीजें है, जैसे कि हाई एब्सेंटिज्म गाइडेंस रिकमेंड, कुछ रिकमेंड करता है मॉडिफाइंग द सीजीएमपी एक्टिविटीज नॉट कंसर्न्ड विद एनी स्पेसिफिक बैच, ये जो हाई एब्सेंटिज्म गाइडलाइन बनाया था ये स्पेसिफिक कोई बैच के लिए नहीं है, एंड इफ मॉडिफिकेशंस ऑफ द एडिशनल एक्टिविटीज इज वर्न्ड द ड्रग मैन्युफैक्चरर मे मॉडिफाई नॉन क्रिटिकल बैच स्पेसिफिक सीजीएमपी एक्टिविटीज, तो बैच मैन्युफैक्चरर कुछ नॉन क्रिटिकल सीजीएमपी एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकता है, प्रोवाइडेड द ड्रग मैन्युफैक्चरर हैज अ डॉक्यूमेंटेड रैशनल और रिस्क असेसमेंट। तो ये सीजीएमपी का कुछ ऐसा नॉन क्रिटिकल पार्ट जो सीसीपीज में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा कुछ नॉन क्रिटिकल पार्ट को अगर उसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेड रैशनल या फिर आप उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रिस्क असेसमेंट करके उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और उसकी बिहाफ पे उस एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा इस गाइडलाइन में दिया गया था। अभी देखते हैं, अनलाइक द हाई एब्सेंटिज्म गाइडलाइन द स्कोप ऑफ दिस गाइडलाइन इज नॉट लिमिटेड टू मेडिकली नेसेसरी ड्रग प्रोडक्ट, मतलब क्या है कि जो हाई एब्सेंटिज्म गाइडलाइन बनाया था वो हाई एब्सेंटिज्म गाइडलाइन बनाया था मेडिकली नेसेसरी ड्रग प्रोडक्ट के लिए, मतलब पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक ड्रग प्रोडक्ट या ड्रग प्रोडक्ट का कैटेगरी के लिए ही ये हाई एब्सेंटिज्म गाइडलाइन अवेलेबल था, बट करेंट गाइडलाइन जो है ये खाली मेडिकली नेसेसरी ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कुछ ड्रग प्रोडक्ट को डेफिनेटली कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग को एम्फोसाइज किया गया है कि जिसका शॉर्टेज होने से वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट आने वाला है, वो छोड़ के भी इस गाइडलाइन सारा ड्रग प्रोडक्ट के लिए एपीआई के लिए सबके लिए ही एप्लीकेबल है। अ ड्रग मैन्युफैक्चरर हूज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैव बीन distributed by COVID-19 public health emergency should follow an established plan which include returning to the normal CGMP operations. Normal CGMP operations में return भी होना पड़ेगा, एक plan बनाना पड़ेगा, उस plan के according आप कुछ activity को reduce कर सकते हो, कुछ activity को frequency को कम कर सकते हैं,
कुछ एक्टिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ सीजीएमपी का नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, बट यू हैव टू रिटर्न टू द सीजीएमपी ऑपरेशंस आफ्टर गेटिंग दिस प्रॉब्लम रिजॉल्व विथ कंसिडरेशन गिवन टू व्हेन देयर इज अ रिलैक्सेबल एक्सेप्शंस that the normal operation will be maintainable for an extended period of time. Although the examples of the delayed, reduced or otherwise modified CGMP activities are described in the guidance, CGMP requirements remain in effect during COVID-19 public health emergency, and this guidance is not intended to describe FDA's enforcement priorities. अभी चलिए देखते हैं कि ये गाइडलाइन बनाने के पीछे में क्या रिकमेंडेशंस था। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स शुड एक्सेस द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन सीजीएमपी एक्टिविटीज दैट वर नेसेसरीली डिलेड रिड्यूस्ड और अदरवाइज मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रोडक्शन एंड द ड्रग सप्लाई एंड दे शुड identify the necessary recommendations that ensure the drug quality while endeavoring to return to the normal manufacturing operations. Yahi hum log pehle bhi discussion kar chuke hain. FDA recognizes that in some cases remediation activities that the manufacturer started during the public health emergency may not be completed until after the duration of the public health emergency. तो public health emergency situation में कुछ ऐसा activities है जिसको कर पाना थोड़ा difficult है. In such cases, the manufacturer should continue to follow the recommendations in the guideline. ऐसा situation में ये guideline में जो recommendations है उस recommendations को follow करने के लिए suggested किया गया है. With respect to such activities, after transmission of public health emergency declare हो जाने के बाद जो जो चीजें बोला गया है guideline में include किया गया है आप उस चीज को consider कर सकते हो. If drug manufacturer departed from established CGMP activities impacted by the COVID-19 public health emergency, the drug manufacturer should identify these deviations and any necessary remediations actions. तो मतलब अगर drug manufacturer कुछ established CGMP activity को currently COVID-19 situation की वजह से due to public health emergency अगर कुछ deviate करते हैं, then drug manufacturer should identify those deviations. मतलब उस deviations को पहले identify करना है और उसके अगेंस्ट पे उनको नेसेसरी रेमिडियल एक्शन या रेमिडिएशन एक्शन भी बोल सकते हैं उसको, रेमिडियल एक्शंस लेना पड़ेगा. द ड्रग मैन्युफैक्चरर शुड इवैल्यूएट दीज एक्शंस एज पार्ट ऑफ देयर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच. और जो भी रिस्क असेसमेंट उनको करना पड़ेगा करेंटली ये सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए उनको एक थोरो रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उसकी भी आप पे जो भी रेमिडियल एक्शंस लेंगे उस रेमिडियल एक्शंस को ओवरकम करने के लिए या उस रेमिडियल एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए या फिर वो रेमिडियल एक्शंस एप्रोप्रिएट है कि नहीं उसको प्रूव करने के लिए, एविडेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच उनका होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए. द रिजल्ट ऑफ द इवेल्युएशंस विल हेल्प drug manufacturer prioritize the resumption activities. इस risk assessment की evaluations के behalf पे drug manufacturers immediately इनका resumption activity या फिर CGMP complete activity को resume वे में कर सकते. अभी चलिए देखते हैं कि addressing deviations from established CGMP activities. Critical quality attributes, testing operations, materials,
drug not manufactured in a manner that ensures their qualities must not be disrupted. तो मतलब क्या है कि जो भी कुछ क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स CCPs है, उसके रिलेटेड कुछ अगर टेस्टिंग है अपने पास, तो उस टेस्टिंग को हम लोग अगर नहीं कर रहे, इवैल्यूएशंस आर अप्रूव्ड चेंजेस टू द क्रिटिकल ऑपरेशंस और मटेरियल्स, ये हम लोग नहीं कर सकते. ड्रग नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन अ मैनर दैट इंश्योर्स देयर क्वालिटी, ड्रग को ऐसे मैनर्स में नहीं बनाया जा सकता जिसपे उसका क्वालिटी इम्पैक्ट हो या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो, ऐसे मैनर्स में कभी भी ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग किया नहीं जा सकता. तो मतलब ये हम लोगों को प्रॉपरली रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक्टिविटीज किसी भी एंगल से इम्पैक्टेड ना हो. If the investigations into non-critical as a product or as a process discrepancies and deviations that occur before or during the COVID-19 public health emergency remain unresolved, the following questions may be helpful in determining how to appropriately complete or document the investigations. जैसे कि काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कुछ अगर ऐसे इन्वेस्टिगेशंस है जिसका प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर या फिर प्रोसेस के ऊपर नॉन क्रिटिकल इम्पैक्ट है, या फिर कुछ ऐसा डेविएशंस है जो हो सकता है कि ऑकरेंस हुआ है ड्यूरिंग और बिफोर द COVID-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशंस, और वो अभी भी अनसॉल्व है और रिजॉल्व नहीं है. इन दिस सिचुएशन में कुछ ऐसा क्वेश्चन इस गाइडलाइन में इंक्लूड किया गया है जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड whether these are important or not during your investigations. Like पहला बोल रहे कि should the scope of investigations be explained to supplement information lost because staff are not present to fully observe or gather the information about the incident, or because the extent of problem increased due to the delay of the response. That means काफी important है. सबसे अच्छा शुरुआत किया है उन्होंने, एक example देखे कि जो investigations चालू है, आपका जो investigation आप करने वाले हैं, उस investigations में ऐसा हो सकता है कि आपको सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन कुछ लॉस हो सकता है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि जो स्टाफ प्रेजेंट था वो स्टाफ जो स्टाफ आपको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिसने फुल्ली ये चीज को ऑब्जर्व किया है, वो अभी प्रेजेंट ना हो, या फिर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट. अगर आपको एक इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है, तो बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम काफी लंबा हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू डिले इन रिस्पॉन्स, तो आपको शायद अभी उसको जॉट डाउन करने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर आप एम्फोसाइज करिए. सेकेंड है, वायर शॉर्ट टर्म चेंजेस टू द नॉर्मल ऑपरेशन. अगर जैसे कि नॉर्मल ऑपरेशन आपका चल रहा था, उसमें आपको शॉर्ट टर्म चेंजेस आ गया है, that implemented may have increased risk to the product quality, जिसकी वजह से आपका जो product quality है उसके ऊपर कुछ impact आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Change in the materials flow or personal flow, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये अगर है तो आपको उसमें आपका जो risk assessment होगा उसमें आपको इसको evaluate करना पड़ेगा, इसको capture करना पड़ेगा. Are the procedures that govern investigations covering discrepancies, deviations and non-conformities suitable during the public health emergency, or should they be updated? मतलब public health emergency situation में आपके ऐसा कुछ procedural problem हुआ क्या जो कुछ आपको investigations में problem आ रहा है, जैसे कि covering the, आपको investigations में क्या क्या चीज covering करना पड़ेगा,
discrepancies, deviations, non-conformities that suitable during the public health emergency or should be updated. आपको अपडेट है कि नहीं है. A decision to thus delay or reduce testing delays directly associated with thus a batch or not associated with the batch should have been made based on the risk assessment that included evaluations of available data and the significance of the test to the quality of the drug product and whether the drug is drug in a storage. If during the COVID-19 public health emergency testing was incomplete or was accomplished under the conditions that may have compromised the accuracy of the test results, the following questions may be helpful in assessing whether additional measures are needed for the batch to determine suitably for release. आप अभी इन सिचुएशन में कुछ एडिशनल मेजर्स आप ले सकते हो जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो वेदर बैच कैन बी रिलीज्ड और नॉट. लाइक पहले आप क्वेश्चन कर सकते हो कि फॉर डिलेड और रिड्यूस टेस्टिंग, डिले और रिड्यूस टेस्टिंग की वजह से दैट इनडायरेक्टली से मेजर अ बैच ऑपरेशन फॉर एग्जांपल सर्टेन टाइप ऑफ इन प्रोसेस टेस्टिंग व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन ड्रग क्वालिटी. अगर कुछ ऐसा डिले हुआ या रिड्यूस हो गया, कुछ टेस्टिंग आपने नहीं किया है जिसकी वजह से प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर सर्टेन टाइप ऑफ द इन प्रोसेस पैरामीटर्स टेस्ट नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से डायरेक्ट प्रोडक्ट ड्रग क्वालिटी के ऊपर या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट है कि नहीं, जिसको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा. फॉर डिलेड और रिड्यूस द टेस्टिंग नॉट एसोसिएटेड विद अ बैच. एक आपने डिले या टेस्टिंग किया जो एक बैच के साथ एसोसिएटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लेट्स फ्रॉम लो क्रिटिकलिटी क्लीन एरियाज और रूटीन स्टेबिलिटी टेस्टिंग सपोर्टिंग अ मार्केटेड ड्रग विथ रोबस्ट हिस्ट्री ऑफ मिनिमल डिग्रेडेशन शुड एडिशनल टेस्टिंग से बी परफॉर्म to ensure that facility is appropriate to use manufacturers quality drugs. तो मतलब क्या है, जैसे कि आपने कुछ डिले या रिड्यूस टेस्टिंग आपने किया जो कि ना कोई बैच के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि कुछ आपने एनवायरमेंटल से मॉनिटरिंग जहाँ पे जो कि लो क्रिटिकल ही क्लीन एरिया पे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, या फिर आपने कुछ ऐसा रूटीन स्टेबिलिटी टेस्टिंग को आपने मिनिमाइज किया है. आपको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी रोबस्ट है, उसका हिस्ट्री आपने चेक किया, उसमें आपने देखा कि ऑलरेडी मिनिमम डिग्रेडेशन होता है, तो ऐसा प्रोडक्ट्स को आपने स्टेबिलिटी टेस्टिंग में मिनिमाइज किया है. बट इससे आप क्या ये चीज चेक कर सकते हो कि शुड दिस एडिशनल टेस्टिंग बी परफॉर्म टू एंश्योर दैट द फैसिलिटी इज एप्रोप्रिएट टू मैन्युफैक्चर क्वालिटी ड्रग्स. मतलब आप इससे क्या प्रूव कर सकते हो कि आप जो पहले का जो क्वालिटी के हिसाब से आप जो क्वालिटी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे अभी भी वही क्वालिटी का ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उसको इवेल्युएट करो. वायर ऑपरेशंस और मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग चेंज्ड इन एनी वे दैट कुड इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द फिनिश्ड ड्रग प्रोडक्ट. तो मतलब क्या है कि जो आपका ऑपरेशंस या मटेरियल्स अभी आपका चल रहा है या फिर जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, उसमें ऐसा कुछ चेंजेस हुआ जिसमें आपका ड्रग का जो ड्रग आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें इम्पैक्ट क्वालिटी इम्पैक्ट आया, या फिर उसका जो फिनिश प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें कुछ क्वालिटी रिलेटेड इम्पैक्ट आया, उसको आपको सबसे पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा. इफ सो अगर ऐसा कुछ इम्पैक्ट हुआ, वॉज द चेंज इवेल्युएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड अंडर द ड्रग मैन्युफैक्चरर्स चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम. आपने उसको चेंज कंट्रोल की द्वारा कैप्चर किया है कि नहीं किया है, जो भी आप चेंजेस एग्जीक्यूट किया है तो उसके लिए आपने एडिक्वेट इवेल्युएशन किया है कि नहीं किया है, वो दैट इज नीड टू बी इवेल्युएटेड थ्रू अ रिस्क असेसमेंट. इज एन इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी टू डिटरमाइन इफ द एसोसिएटेड batch is
सुटेबल फॉर रिलीज, आपने जो एसोसिएटेड बैच आपने अभी मैन्युफैक्चरिंग किया है उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट है क्या, वो आपको रिलीज करने से पहले ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है तो इट शुड बी इवैल्यूएटेड. शुड द टेस्टिंग प्रोग्राम और अदर मॉनिटरिंग प्रोग्राम बी मॉडिफाइड टू इवैल्यूएट एनी लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट. आपको ये भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा जैसे कि कुछ एडिशनल स्टेबिलिटी टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट है क्या, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो अभी ड्रग आपने रिलीज करने वाले हैं या आपने जो भी कुछ अगर रिड्यूस किया है उसका फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी है, तो उसको स्टेब्लिश करने के लिए आपके पास ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है क्या, जैसे कुछ एडिशनल स्टेबिलिटी टेस्टिंग करके आप उसको कर सकते हो एज फॉर एग्जाम्पल. ऐसा ये आपको इवेल्युएट करने का रिक्वायरमेंट है. ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरर्स शुड प्रोएक्टिवली ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सप्लायर्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन देयर ऑपरेशन. आपको ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर्स आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा आपका जो सप्लायर्स है उनसे भी कि ड्यू टू द COVID-19 सिचुएशन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो इस सिचुएशन में उनका कुछ ऑपरेशनल चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्होंने भी ऐसा कुछ रिड्यूस किया है, उन्होंने कुछ सीजीएमपी को वायलेट किया है या कुछ सीजीएमपी को प्रोसेस जो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे, उनका भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको गैदर करना पड़ेगा. इफ देयर आर चेंजेस टू और डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग मेटेरियल्स यूज्ड इन द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे बी हेल्पफुल इन एक्सेसिंग वेदर एडिशनल मेजर्स आर नीडेड. तो ऐसे केसेस में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप कर सकते हो टू इवेल्युएट एट योर एंड. आर यू अवेयर ऑफ एनी चेंजेस टू द ऑपरेशंस और मेटेरियल्स दैट कुड इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. मतलब आप ऐसा कुछ चेंजेस एग्जीक्यूट हुआ है क्या ऑपरेशन और मेटेरियल रिलेटेड, जहां पे आपको जो फिनिश प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो उसका क्वालिटी रिलेटेड इम्पैक्ट है क्या. जैसे बोल रहे कि अ चेंज इन स्टार्टिंग मेटेरियल फॉर एन एपीआई और इंटरप्शंस इन द सप्लायर ड्यू टू सप्लाई चेन. तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ नया एपीआई चेंज कर दिया या फिर आपका जो पहले से सप्लायर चेंज था वो सप्लायर चेंज इंटरप्शन हुआ है ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन, आपने नया सप्लाई चेंज तैयार किया है, दूसरा जगह से आप प्रोक्योरमेंट चालू किया है, ऐसा कुछ है क्या, तो आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा इसका क्वालिटी इंपैक्ट हो सकता है. हैज द हायर डिमांड फॉर सर्टेन मटेरियल्स लीड टू डाउट्स अबाउट द क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ द मटेरियल. हायर डिमांड और रिस्क जो है हायर, अभी करंट सिचुएशन में डिमांड बढ़ चुका है, हायर डिमांड की वजह से ऐसा कुछ सर्टेन मटेरियल आपने प्रोक्योरमेंट किया जिसका क्वालिटी या फिर उसका ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट है, ऐसा हो सकता है. इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एडल्ट्रेशन हो सकता है, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज इन इम्प्योरिटी, उसकी वजह से क्या होगा कि इम्प्योरिटी लेवल आपका प्रोडक्ट का बढ़ सकता है, तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखते हुए आपको उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा. आर दोज ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस अबाउट मेटीरियल शिपमेंट्स that is a give reasons to the questions of integrity show of the integrity or source. Example, broken or tampered evidence seal, unexpected changes to the packaging or labeling, ये सब भी हो सकता है. तो इसके ऊपर भी आपको emphasize करना पड़ेगा, इसकी वजह से भी adulterations in the product quality हो सकता है या integrity of the source material वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ब्रोकन सील या फिर चेंजेस इन पैकेजिंग लेबलिंग ऐसा कुछ. इफ एन ऑन साइट ऑडिट ऑफ अ न्यू और एग्जिस्टिंग सप्लायर इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू द COVID-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू एंश्योर दैट द क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल. एग्जाम्पल, रिमोट सप्लायर ऑडिट
reassessment or revision of the quality agreement, additional testing to verify a certificate of analysis, should the supplier qualification program should be updated? ये काफी important question है कि current COVID-19 situation में ये बहुत ही common है कि travel restriction की वजह से आप supplier के audit ना कर पाए, तो इसका बहुत ज्यादा critical impact हो सकता है, क्योंकि आपका जो supplier है जो आपके लिए रॉ मटेरियल या फिर पैकेजिंग मटेरियल का सोर्स है, उनको आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे पहले आपको ऑडिट करने का आपके पास प्रोटोकॉल था, बट करेंटली आप उसको प्रॉपरली रीअसेसमेंट या फिर उसको रिविजन या फिर उसका प्रॉपर क्वालिटी एग्रीमेंट अपडेशन या फिर कुछ एडिशनल टेस्टिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं, इसका इवेल्युएशन, इसका वेरिफिकेशन, उसका जो सीओए है उसका सीओए को चेक करना, उसमें कुछ अगर इंक्लूड करना एडिशनल टेस्टिंग, ये भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीज का रिक्वायरमेंट जो है सप्लायर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम्स, वो अपडेशन हो रहे कि नहीं हो रहे, उसका रिक्वायरमेंट्स आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। व्हेन देयर एनी चेंज फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, जो भी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है उसमें कुछ अगर ऐसा एक्सकर्शन हो रहा है ड्यूरिंग द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पैरामीटर जो है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कुछ अगर एक्सकर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे, ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट यू रिलाई अपॉन द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स और सप्लाईज दैट कुड हैव अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स और द ड्रग्स सप्लाइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, टेम्परेचर एक्सकर्शन होने से भी उसमें प्रॉब्लम्स, ड्रग प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। If facilities and equipments have been changed or have not been maintained on schedule, or if the operations are interrupted during the COVID-19 public health emergency, the following questions may be helpful in ascertaining, in assessing whether the additional measures are needed. Deep disruptions or change to the water, gas, electricity or sewage removal utilities pose a challenge to the operational capabilities. For example, जैसे बोल रहे कि water purification system was not operated according to established procedure, putting it in a great risk of objectionable microorganisms contamination. ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट प्लांट सपोर्ट्स है, जैसे कि आपका हो गया वाटर सोर्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज सिस्टम, उसमें आपको ऐसा कुछ चैलेंजेस या फिर ऑपरेशनल चैलेंजेस आता है कि नहीं आता है, उसकी वजह से क्वालिटी को काफी इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम वॉज नॉट ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्योर, जो आपने एस्टैब्लिश प्रोसीड्योर किया उसके अकॉर्डिंग आपने उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्टामिनेशन होने का चांस या फिर उसका मात्रा बढ़ने का चांस काफी हाई हो जाता है। तो ये सब चीजों को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा एट योर रिस्क असेसमेंट। इफ द यूज ऑफ इक्विपमेंट चेंज, आपने जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो अगर उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, इफ द इक्विपमेंट वॉज रिकॉन्फिगर्ड और बैरियर्स वॉज एडेड और ऑपरेटर सेफ्टी एंड वॉज नॉट क्वालिफाइड प्रायर टू द यूज, और आपने यूज करने से पहले उसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, सो देयर शुड बी अ रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। आपकी उसकी केस में रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन आपको करना चाहिए, यू शुड डू अ रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द इक्विपमेंट परफॉर्मेंस एंड द टाइप ऑफ द रेमेडिएशन नेसेसरी टू कंटिन्यू द इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट को यूज करने से पहले ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन करके ही आपको रेमेडिएशन या रेमेडियल एक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस इक्विपमेंट को प्रोडक्शन या प्रोसेस में ले सकते हैं। वॉज देयर अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन और द टाइप ऑफ द क्लीनिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखने वाला चीज है कि जो भी आप
डिसइंफेक्टेंट या फिर क्लीनिंग एजेंट यूज कर रहे उसमें, या फिर उसका फ्रीक्वेंसी में आपने कुछ चेंजेस किया, उसका रोटेशन में आपने कुछ चेंजेस किया, आपने आपके पास एक अवेलेबल नहीं है डिसइंफेक्टेंट, वो कोविड 19 सिचुएशन में आपको प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप एक ही डिसइंफेक्टेंट को कंटिन्यू कर रहे हो, उसकी वजह से क्वालिटी इंपैक्ट आ सकता है। इंक्रीज द एप्रोप्रिएट कंट्रोल ऑफ बायो बर्डन, उसमें क्या हो सकता है, आपने जो रोटेशन कर रहे हो वो अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको बायो बर्डन का मात्रा बढ़ सकता है। यूज द वॉरेंट रीअसेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसीड्योर, वहां पे ये भी आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसीड्योर, आपको ट्रेनिंग प्रोसीड्योर को दोबारा रीअसेसमेंट करने का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। इफ इक्विपमेंट सर्विसिंग रिक्वायर्स टेक्नीशियन विथ स्पेशल एक्सपर्टाइज, आपका जो इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल है उसको सर्विस करने के लिए स्पेशल एक्सपर्ट टेक्नीशियन चाहिए, एंड दैट इंडिविजुअल इज अनअवेलेबल ऑन साइट, आर देयर एनी ऑल्टरनेटिव मींस टू एंश्योर दैट द इक्विपमेंट इज सुटेबल फॉर यूज। तो इस सिचुएशन में आप क्या इवेल्युएट कर सकते हो कि वो साइट में नहीं आ सकता है, तो ऑल्टरनेटिव यूजर्स क्या है आपके पास, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि उस इक्विपमेंट का उस पर्टिकुलर सुटेबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास कोई तरीका है क्या। व्हेन द सर्विस इंजीनियर इज नॉर्मली परफॉर्म्ड ऑन साइट बट वाज ही कंडक्टेड रिमोट असिस्टेंस, क्या वो सर्विस इंजीनियर आपको रिमोट में लेके आपको रिमोट असिस्टेंस प्रोवाइड किया है कि नहीं, वो ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। आप रिमोट में भी सर्विस प्रोवाइडर को दे सकते हो सिस्टम, वहां से भी आप रिमोट में लेके भी आपको फिजिकल आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकते है। नीड ए डिले इन अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन एक्टिविटी ऑफ फॉर फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स इंपैक्ट फंक्शन एडिक्वेसी फॉर यूज, ये भी आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि ऑफ फैसिलिटीज और इक्विपमेंट की केस में आपका जो कैलिब्रेशन या फिर जो मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी इवेल्युएट करना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ प्लान, आपने जो कुछ इम्पोर्टेंट आप एलिमेंट्स भी है जिसको आपको प्लान करना पड़ेगा टू रिज्यूम नॉर्मल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्मल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को रिज्यूम करने से पहले आपको क्या क्या रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा वो तो हम लोगों ने मोटा मोटी जाना है कि कौन कौन सा पॉइंट्स को आपको रिस्क असेसमेंट में सोचना चाहिए। तो और अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स भी है जिसको भी आपको प्लान करना चाहिए। वी एनकरेज, दैट मीन्स दिस गाइडलाइन एनकरेजेस मैन्युफैक्चरर्स टू डेवलप रिजम्पशन प्लान, आपको रिजम्पशन प्लान रिज्यूम करने के लिए भी आपके पास एडिक्वेट प्लान बनाना पड़ेगा इन कंजंक्शन विद द इमरजेंसी प्लान। इमरजेंसी प्लान तो आपने बना लिया, अभी करेंट सिचुएशन में आप क्या क्या चीज स्किप कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटी को आप नैरो कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसका प्लान तो है, उसके साथ साथ आपको रिजम्पशन प्लान भी तैयार रहना पड़ेगा। इफ वन इज लैकिंग स्पेशली due to the possibility of additional waves of COVID-19, additional waves of COVID-19 बढ़ रहा है और बढ़ गया एक next stage में और ज्यादा pandemic हो चुका है, हो सकता है इस situation को सोचते हुए आपको ये दोनों ही चीजें simultaneously आपके पास दोनों plan ready होना चाहिए। Drug manufacturers should develop a comprehensive resumption plan that is specific to their operations and organizational changes. Once the drug manufacturer has identified the appropriate remediations, these activities should be incorporated into their resumption plan. The plan should state that the risk management approach prioritizes the manufacturer to drug at risk of shortage and activities related to the restricting batch production in addition to activities that were delayed, reduced in frequency or otherwise modified. The drug manufacturer plan should include using a risk management approach that identifies, evaluate and mitigate factors that may impact the product quality including those
described in the section 3A, जो हम लोग अभी इस गाइडलाइन में डिस्कशन कर चुके हैं. दीज फैक्टर्स इंक्लूड एक्टिविटीज परफॉर्म नॉट परफॉर्म डिलेड इंटरप्टेड और परफॉर्म रिमोटली चेंजेस टू द प्रोसीड्योर प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स और एसोसिएटेड आउटकम्स, ये कुछ भी हो सकता है. तो आपको ये सब चीजों को लेकर इस इवेल्युएशन करना पड़ेगा. द फाइंडिंग्स ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी यूज्ड टू प्लान एंड प्रायोरिटाइज रेमिडिएशन एक्टिविटीज इम्प्लांटेड व्हेन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिज्यूम. प्रोडक्शन एक्टिविटीज को रिज्यूम करने से पहले आपको ये सारा चीज, ये सारा रिस्क असेसमेंट करके उसमें जो कंक्लूजन डिराइव होगा उस कंक्लूजन के बिहाव पे आपको प्रायोरिटाइज रेमिडियल एक्टिविटीज सोचना पड़ेगा, जो कि ना उस रेमिडियल एक्टिविटीज के बिहाव पे ही आप अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी को रिज्यूम इमीडिएटली या कि जितना जल्दी हो सकता है आप कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो. मैनेजमेंट लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट टू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द रिजम्पशन प्लान. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट का जो लीडरशिप है उस लीडरशिप सबसे इजीली इसको सक्सेसफुली रिजम्पशन करने में हेल्प करेगा. द प्लान शुड इंक्लूड अ टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टीज प्रायोरिटीज. द प्लान शुड स्पेसिफाई दैट ऑल चेंजेस be reviewed and approved by the drug manufacturer quality unit. It should be drug manufacturer's responsibility to document the CGMP activities and they should include a justification when the drug manufacturer deviate from the established procedure. The plan should specify the drug manufacturer's submit the required field alert report or FARs, biological product deviation report BPDRs, and animals drug product manufacturing defects and adverse drug experience report. Now the drug plan, the plan ab banayenge, it should specify that if a drug manufacturer decides that a recall is required or needed, they should notify the Food and Drug Administration as recommended in the guideline for industry product recall, including removals and corrections. March 2020 में ये guideline दिया गया था, उसके according आपको recall भी अगर करना है, अगर if there is a immediate recall is required, then this guideline should be followed. The plan should specify that applications and the drug manufacturers notify Food and Drug Administrations of the permanent discontinuance in the manufacturers of certain products or and interruptions to the manufacturers of certain products that is likely to lead to a meaningful disruptions in supply of the product to the United States. अभी एक इम्पोर्टेंट चीजें है. प्रायोरिटाइज द एक्टिविटीज टू रिज्यूम द नॉर्मल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग. ड्रग मैन्युफैक्चरर्स शुड यूज द फाइंडिंग्स ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच प्लान एंड प्रायोरिटाइज द रिजम्पशन एक्टिविटीज. हाई प्रायोरिटीज शुड बी गिवन टू द ड्रग्स दैट आर इन शॉर्टेज ऑफ रिस्क और एट रिस्क और रिस्क ऑफ स्टोरेज. जो भी अपने पास शॉर्टेज में है या फिर जो हाई प्रायोरिटाइज ड्रग प्रोडक्ट्स है उसकी केस में बहुत जल्दी आपको रिजम्पशन प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. रिसोल्यूशन इन द डेविएशन रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्शन लाइन. कॉन्फर्मेशन दैट द सप्लाई ऑफ द API इज रिलायबल. अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट एडिशनल रिसोर्सेज. ये गाइडलाइन को साथ दो एडिशनल रिसोर्सेज भी उन्होंने लास्ट में ऐड किया है जो आप लोगों को जानने के लिए काफी जरूरी है. वो दोनों गाइडलाइन भी बोल देता हूँ. कोरोना वायरस डिजीज 2019 और COVID-19 के गाइडलाइन है. दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन
ड्रग इंट्रोडक्शन कोविड-19, ये दोनों का वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट में जाके ये दोनों गाइडलाइन को भी देख सकते हो। ये दोनों एडिशनल रिसोर्सेस इस गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहीं पे ये गाइडलाइन खत्म हो जाता है। चलिए आगे मिलते हैं एक दूसरा नया गाइडलाइन के साथ, बहुत जल्दी मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी न्यू अपलोडेड वीडियोस इन माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।